हेलो किसान भाइयों, डीके ट्रैक्टर रिव्यू में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं, स्वराज 735 FW मॉडल है, पावर स्टीयरिंग मॉडल है। तो किसान भाइयों, अगर आपने नया ट्रैक्टर लिया है, ये आपसे भी ट्रैक्टर चलाते नहीं बनता है, और आप भी ट्रैक्टर चलाना सीखना चाहते हैं, पहली बार ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो किसान भाइयों ये वीडियो आपके लिए है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तो किसान भाइयों, पहले मैं बता दूं, ट्रैक्टर चलाने के पहले अगर पहली बार ट्रैक्टर चलाने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले बता दूं मैं। ये जो आपको लीवर दिख रहे हैं तो इसे अपन क्लच बोलते हैं। ये क्लच है और ये उस तरफ ये दिखा दूं मैं, ये जो दिख रहा है ये ब्रेक होता है, और ये बता दूं मैं, ये एक्सीलेटर होता है पैर वाला, ठीक है ना। ये गियर हो गए अपने, ये एक मिनट देख सकते हैं आप, ये गियर हो गए और ये गियर लीवर हो गया, ये हाई न्यूट्रल वाला, ठीक है ना। तो चलिए किसान भाइयों, मैं ट्रैक्टर चालू करता हूँ और आपको बताता हूँ मैं ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ मैं, ये अपना डीजल मीटर हो गया और ये प्रे टेम्परेचर मीटर हो गया कि गाड़ी कितनी गर्म हुई है, और ये बैटरी मीटर हो गया, इसे कहते हैं बैटरी मीटर, और ये हो गया आरपीएम मीटर, है ना, आरपीएम मीटर हो गया ये। और ये इस स्वराज कंपनी में स्टीयरिंग में ही हॉर्न मिलता है, ये हॉर्न हो गया, और ये हो गया हैंड एक्सीलेटर, ठीक है ना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन गाड़ी स्टार्ट करने के पहले की प्रेस किए और क्लच में पैर रख के क्लच अपना पूरा प्रेस करना, ठीक है ना। क्लच पूरा प्रेस करने के बाद ये अपन को ये हाई लो वाला गियर को ये न्यूट्रल करना है, और ये वाला गियर भी न्यूट्रल करना है, तभी अपना ट्रैक्टर स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, और बता दूँ किसान भाइयों, ट्रैक्टर थोड़ी सी चालू करने के बाद आवाज़ थोड़ी शायद मेरी कम हो सकती है, तो कृपया प्लीज़ थोड़ी ध्यान से सुने। तो चलिए ट्रैक्टर चालू करते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर चालू करने के पहले किसान भाइयों, अपन ये क्लच दबाते हैं। क्लच दबाने के बाद अपन फिर ये गियर लगाएंगे, ये नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हाई गियर लगेगा, और ये बीच में न्यूट्रल हो जाता है, और इसको आगे प्रेस करेंगे तो ये लो गियर लगेगा। तो किसान भाइयों, अपन हाई गियर में चलाएंगे क्योंकि रोड में चलाना है, तो हाई गियर में ट्रैक्टर चलता है, तो अपन हाई गियर में चलाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई अपना क्लच दबा दिए और ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। देख लें पहले गियर न्यूट्रल में होना चाहिए। तो किसान भाई, ट्रैक्टर अपना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले अपन ये गियर लगा लेते हैं नीचे, ये हाई वाला, और अपन एक नंबर गियर लगा लेते हैं। ये किसान भाई अपना एक नंबर गियर लग गया, और क्लच धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। देख किसान भाई, ट्रैक्टर अपना चलने लगा है, धीरे धीरे अपना छोड़े हैं, क्लच छोड़े हैं, एक नंबर गियर में है, गाड़ी अपनी चल रही है धीरे धीरे, देख सकते हैं आप। ये चल रही है गाड़ी धीरे धीरे, एक नंबर पे है। किसान भाई, अगर आप नया नया ट्रैक्टर चला रहे हैं या नया नया सीखने जा रहे हैं तो कृपया पहले एक नंबर गियर में ही चलाएं, क्योंकि एक नंबर गियर में ट्रैक्टर की स्पीड धीमी रहती है, ये अपना एक्सीलेटर का थोड़ी तेज भी कर सकते हैं, एक नंबर में ठीक रहता है, ट्रैक्टर धीमा धीमा चलता है। किसान भाई, थोड़ा धीमा ज़्यादा चल रहा है, चलो अपन इसको दो नंबर में चलाते हैं। तो अपन ये पहले क्लच दबाए, ये और ये किए, और ये बीच में ला के लीवर दो नंबर में गियर लगा दिया, धीरे धीरे छोड़ दिए क्लच अपन, ये धीरे धीरे क्लच छोड़ दिए, ये ट्रैक्टर अपना चलने लगा दो नंबर पे। किसान भाई, ये दो नंबर पे चल रहा है, अब इसको तीन नंबर पे करते हैं, तो फिर वही करना है अपन, पहले क्लच दबाए, ये क्लच किए और ये किए और ये किए, ये अपना तीन नंबर पे चालू हो गया। सारे किसान भाई, चार नंबर गियर लग गया था, ये ऊपर तीन नंबर लगता है,
अपना तीन नंबर गियर लग गया, देख सकते हैं गाड़ी तीन नंबर पे चल रही है। किसान भाई देखिए तीन नंबर हाई के तीन नंबर पे चल रही है। ये तीन नंबर पे अभी चल रही है, हाई के तीन नंबर पर आप देख सकते हैं ये गियर लगा तीन नंबर। किसान भाइयों मैं थोड़ी 6 RPM पे 600 RPM पे चला रहा हूँ क्योंकि आपको फिर उतना समझ में नहीं आएगा, मैं धीरे धीरे ट्रैक्टर चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं 600 RPM पे चल रही है ट्रैक्टर, ये 600 से 800 RPM पे। किसान भाई अपन 4 नंबर गियर लगाते हैं टॉप का, प्लस दबाए अपन, प्लस प्रेस करने के बाद अपन को ये लीवर नीचे करना है। ये 4 नंबर का लग गया है, ये देख सकते हैं आप ट्रैक्टर की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन किसान भाई अगर आप नया नया ट्रैक्टर चला रहे हैं तो आप कृपया 3 नंबर या 2 नंबर पर ट्रैक्टर चलाएँ क्योंकि आप फिर उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर कोई सामने से आ जाएगा तो। ये 4 नंबर पे चल रही है गाड़ी अपनी, किसान भाई थोड़ी रास्ता खराब है जिसमें से ये अपना कैमरा हिल रहा है। रोड यहाँ बनने वाली है, बन रही है, काम चालू है। तो किसान भाई अपना ये 4 नंबर पे गाड़ी चल रही है, देख सकते हैं आप गियर ये हाई के 4 नंबर पे चल रही है। ये आप देख सकते हैं देख सकते 4 नंबर चल रही गाड़ी। अभी भी किसान भाई अपनी गाड़ी 4 नंबर पे ही चल रही है, हाई के 4 नंबर पे, ये देख सकते हैं आप 600 RPM में चल रही है। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे भी आप नए नए ड्राइवर सीख रहे हैं ड्राइविंग, तो जैसे आप गाड़ी को रोकना है कोई सामने से आ भी गया है, जैसे कोई सामने से आ जाए और अगर आपको रोकना है तो तुरंत पहले क्लच दबा दीजिए आप, ठीक है ना, और ब्रेक दबा दीजिए। ये अपनी गाड़ी रुक गई, ये अपनी गाड़ी रुक गई किसान भाई। अब गाड़ी को उठाना है तो फिर अपन 4 नंबर से हटा के 1 नंबर के ले आए तो अपनी गाड़ी धीरे धीरे उठाना है। ये किसान भाई ये अपनी गाड़ी चल रही, देख सकते हैं आप ये धीरे धीरे चल रही है क्योंकि अपन ने 1 नंबर गियर लगाया है हाई के 1 नंबर। अब चाल जैसे ही बन जाए उसको अपन 2 नंबर पर कर लेते हैं तो फिर क्लच दबाना है अपन को। और ये 2 नंबर पे लग गया, ये अपनी गाड़ी थोड़ी सी और चाल दिखा दी और गाड़ी आगे चल रही है, थोड़ी सी रेस दे के ये गाड़ी वहाँ बढ़ गई। फिर अपन को 3 नंबर लगा लेना है, ये 3 नंबर लग गया अपना और चलना है धीरे धीरे। चलने के बाद अपन को डायरेक्ट 4 नंबर गियर नहीं लगाना है, अपन को चलने देना गाड़ी, ये चल रही है
नंबर गाड़ी, तीन नंबर गियर लगा है और हमको फिर क्लच दबा के फिर चार नंबर गियर लगाना है। ये चार नंबर लग गया और वो क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। ये छोड़ दिया क्लच, ये अपनी गाड़ी चल रही है बकायदा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड, जैसे मैंने आप मैंने बताया आपको, आप मेरी बातों को समझे होंगे और गौर किए होंगे। तो किसान भाइयों, ऐसे ट्रैक्टर चलाया जाता है, क्लच का और गियर का हमेशा ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं चार नंबर पे गाड़ी चल रही है। और किसान भाइयों, जैसे अगर कोई चढ़ाई हाई आगे चल रही है और अपना ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है, तो तुरंत उसको गियर चेंज करके, जैसे चार नंबर पे है तो उसको तीन नंबर पे करें, और तीन नंबर पे है तो उसको दो नंबर पे करें, अगर उसको दो नंबर पे है तो एक नंबर पे करें। ऐसे करके गियर डाउन करते जाना है, जिसमें से अपना ट्रैक्टर दम नहीं टूटेगा और चलता रहेगा। आशा करता हूँ किसान भाइयों, आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। देखिए ट्रैक्टर रिव्यू को सब्सक्राइब करिए। चैनल देखने के चैनल में आने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।